ऐसे ही मैं आया था कि नाश्ता करके बगल में ही होटल है उसमें चला जाऊंगा। एक भाई साहब है, इनकी भी मोबाइल छीन ली गई है, मेरा तो जेब से निकाला गया है, पटना रेलवे स्टेशन पे। भैया थोड़ा और कैमरे पे आ जाएंगे, पास में आ जाएंगे और जरा कैमरामैन फोकस करेंगे। हमारे साथ में एक आदमी दानापुर के पीछे लगा और अपना कुछ रिश्तेदार बता करके ना हमको फुसला मतला करके गाड़ी इधर लेके आया होटल के सामने और यहाँ से हम सबको बैठा करके गाड़ी पे आगे ले चला गया। और आगे ले जाने के बाद में पूरा सामान एंट्री कराने के नाम से छीन लिया। एंट्री कराने के नाम, एंट्री के नाम कराने के, कहां एंट्री कराने के लिए बोला था? वो बोला कि सचिवालय ऑफिस में कुछ मेरा कुछ काम है, वो सरकारी गाड़ी इसमें पैसा लगाने जा रहे हैं तो एंट्री करवाना है। उसके नाम से वो हमसे सब कुछ लेकर के गया। उसके बाद जबरदस्त वो गाड़ी से धक्का देकर उतार दिया। धक्का देके? हाँ, उसके बाद में वो चला गया वहाँ से। उसके बाद में 5 मिनट के बाद कुछ अलग ढंग का शरीर में फीलिंग हुआ तो महसूस हुआ कि वो मेरे साथ फ्रॉड हो गया। 5-6 मिनट के बाद मेरे साथ ऐसा महसूस हुआ। अच्छा, जैसे आपके साथ गलत हो रहा था लेकिन आपका दिमाग काम नहीं, दिमाग मेरा कुछ काम नहीं कर रहा था, इस ढंग से ऐसा हो रहा था। ठीक, आपने पूर्व में देखा होगा, मैंने अपना सोशल मीडिया पे ये जो चीज है इसको लाया नहीं था, लेकिन इस तरह की घटनाएं लगता है। यहाँ के लोगों से मैं जानकारी लिया हूँ, पटना के लोगों से, तो रोज बोल रहे हैं कि यहाँ पे कम से कम 50 मोबाइल रोज छीनी जाती है और बैग भी छीने जाते हैं और जो सामग्री होती है और जो और भी कुछ हुआ क्या आपके साथ? नहीं, वही मेरे साथ में मोबाइल भी छीन लिया और अपना ATM छीन लिया, आधार कार्ड ये सब, मतलब इसी तरह नाम से ले लिया। वहाँ पे पब्लिक थी कि नहीं थी? पब्लिक कुछ लोग था इधर, मतलब रोड में इस साइड में पब्लिक थी लेकिन लेबर लोग उधर रहता है हरिंग रोड, तो सब बेचारा उस सबसे उसका कोई इंटरेस्ट नहीं था। अच्छा, वो लोग तो चिल्लाने के बाद आए कि नहीं आए? नहीं, कोई नहीं, वहाँ उधर से उठा चिल्ला रहे थे आप? हाँ, बोले भाई नहीं उस समय भी चिल्लाए, 5 मिनट बाद, क्योंकि मेरे दिमाग में कुछ काम नहीं कर रहा था कुछ। हाँ, लोकल पब्लिक से मैं मोबाइल भी मांगा ताकि हम अपना मोबाइल आधार कार्ड ये सब वगैरह बंद करवा सकते सिम वगैरह, लेकिन कोई पब्लिक तत्काल मोबाइल भी नहीं दिया। कहीं ना कहीं मैं पटना सरकार से ये चीज पे आग्रह करना चाहूंगा कि आए दिन चोरियां हो रही है पटना रेलवे स्टेशन पे और यहाँ पे लगता है कि प्रशासन एक्टिव नहीं है। अगर एक्टिव होती उस पर तत्परता दिखाती तो कहीं ना कहीं चोरों का पर्दाफाश हो जाता, और ऐसे चोरों पे अगर पर्दाफाश होता भी है और पकड़ाते भी है तो उनके ऊपर कठोरतम कार्रवाई करनी चाहिए, बड़ा से बड़ा जितना सजा हो सके। क्या कहना चाहेंगे यहाँ के सरकार है नितिन बाबू? नीतीश कुमार से यही कहना चाहते हैं कि आप लोग का शासन है, इस पर थोड़ा प्रशासन को एक्टिव कीजिए ताकि जो जनता गरीब लोग बाहर से कमा करके आते हैं उसके साथ में ऐसा हो जाता है, साल भर 1.5 साल के बाद पीछे गांव आता है, उसके बाद जो कमाया आदमी वो भी लेके चला जाता है, तो बताइए क्या इसमें हम क्या बोल सकते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। आपने जो सजेशन दिया, सरकार को सचेत किया, मुझे आशा और उम्मीद है कि पटना के जो SP कमिश्नर जो भी होंगे इस मामले को गंभीरता से लेंगे और कड़ी से कार्रवाई करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामना।